गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट इंटीग्रेशन इनटू वेरिएबल्स फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। इन दिस चैप्टर देयर आर टू सिंपल इक्वेशंस, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ए वन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, बी वन इज कोफिशिएंट ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, सी वन इज कॉन्स्टेंट नंबर इन इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ए टू इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी टू इज कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी टू इज कोफिशिएंट ऑफ, सी टू इज नॉट कोफिशिएंट, दिस इज कॉन्स्टेंट नंबर। देन देयर आर फोर मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इज ग्राफिकल, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट फोर्थ मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज कटेड इन लास्ट बिफोर टू ईयर्स, दो साल पहले इसको काट दिया गया है, सो नो यूज ऑफ दिस मेथड। नाउ फर्स्ट विल टेक ग्राफिकल। इन ग्राफिकल मेथड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड पाथ एंड फॉर्म अ टेबल। जब टेबल बन जाएगी तो आप ग्राफ बनाएंगे। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज इन ग्राफ। फर्स्ट इज लाइंस आर पैरेलल, मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। सेकेंड इज लाइंस आर कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग, एक लाइन दूसरी लाइन को कंप्लीटली कवर करे, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड इज लाइंस आर इंटरसेक्ट, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं जिसे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इसको करने का तरीका क्वेश्चन इज सॉल्व ग्राफिकल। सॉल्व ग्राफिकल मीन्स विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग ग्राफ। इक्वेशन इज थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस 13 इक्वल जीरो। सेकेंड इक्वेशन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 12। लास्ट टू और थ्री ईयर से ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन लास्ट ईयर बोर्ड ने ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया है। इट मीन्स यू कैन डू दिस मेथड। आप देखो ग्राफ बनाने के लिए वैसे दो वैल्यू सफिशियंट है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन यदि तीन वैल्यूज लेंगे आप, दो दो फायदे होंगे आपको, ग्राफ की एक्यूरेसी पता लग जाएगी, वैल्यूज आर करेक्ट रॉन्ग। इफ थ्री पॉइंट्स आर इन सेम लाइन आर कोलिनियर, इट मीन्स योर वैल्यूज आर करेक्ट, ग्राफ इज करेक्ट। इफ टू पॉइंट्स या थ्री पॉइंट्स नॉट इन लाइन, इट मीन्स योर वैल्यू एनी मिस्टेक इन योर वैल्यूज इज एक्ट। लेट फर्स्ट कैन पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कर सकते तो रफ में सॉल्व कर लें। अब देखो ये है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 13। जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट खतरनाक लगे उसमें वैल्यू पुट करें। किसी नंबर को टू से डिवाइड कर सकते हैं, 0.5 आ जाएगा। यदि ऑड नंबर है, इवन है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन थ्री से डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगा तो अपन वैल्यू लेंगे एक्स की। लेट एक्स इज जीरो, x is 1, x is, yeah, x is 3 left, better right, ठीक है, x is 0, यहाँ 0 पुट किया, y is 6.5, 13 upon 2 is 6.5, x is 1, let this is 1,
दिस इज 2y, 3 वन 3 राइट में गया माइनस हो गया, दिस इज 10, y इज 5। यदि x वैल्यू 3 ली, दिस इज 9, 13 माइनस 9 इज 4, y इज 2। जब भी डोंट 2 आएगा डिवाइड करना बहुत आसान होगा, 3 आएगा डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें y का कोफिशिएंट 3 है, इसमें वैल्यू करेंगे अपन y की, लेट y इज 0, दिस इज 0, कंप्लीटली 0, सो x इज 6, लेट y इज 2, दिस इज 6, ट्रांसफर हो राइट में 6 हो गया, x इज 3, y इज 2, x इज, लेट y इज 4, y इज 4, 12 कैंसिल, दिस इज x इज 0। सबसे पहले आप टेबल बनाएं, टेबल बनाने में वैल्यू पुट करेंगे, कोशिश करें कि वैल्यू राउंड अप आए या डेसिमल आफ्टर डेसिमल एक्जेक्टली वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उससे ग्राफ बनाना में इजी रहेगा। यदि 0.13 इस तरह का आएगा ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ग्राफिक मेथड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करेक्ट टेबुलेशन, टेबल सही बनेगी तो ग्राफ भी सही होने के चांसेस है, ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल। ऐसे केस में जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ में अपने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, इसको बड़ा रखेंगे, बाकी तीनों क्वाड्रेंट को छोटा करते हैं, एक्सिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस। नंबरिंग करते हैं आफ्टर 1 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वैल्यू थोड़ा ज्यादा लें हमेशा, टेबल लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ता है, एक्स एक्सिस पे एक्स वैल्यू, वाई एक्सिस पे वाई वैल्यू, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉल ओरिजिन, ओके, एंड दिस इज -1, -2, -1 और -2, ओके, देन 0 and 6.5, x is 0, x is 0, y is 6.5, this point lie on y axis, 6.5 between 6 and 7, next 1 and 5, x is 1, y is 5, 3 and 2, 0, 6.5, 1 and 5, बोर्ड में आपको फर्स्ट स्टेप के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखिए कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड में और एरो लगाएंगे, हर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखेंगे और एक साइड में इक्वेशन लिख देंगे एनी साइड, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाए आपने जो लाइन ड्रॉ की वो कौन सी इक्वेशन की है। देन x 6 y 0, x 3 y 2, सेम पॉइंट, x 0 y 4, mark the points, 6 0, 3 2 is common, this is 4 0 4, enjoy.
लाइन है वैसे सीधी बनेगी, दिस पॉइंट इज थ्री। ओके नाउ कंप्लीट हो गया बेटा, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन। सो एक्स इज थ्री एंड वाई इज टू, क्वेश्चन था सॉल्व ग्राफिकली, एक्स वैल्यू होगी थ्री, वाई की वैल्यू होगा टू, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देन इट्स नेक्स्ट पार्ट इज ऑन द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान से देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट काटती है, ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज पॉइंट इज 60, और दिस पॉइंट इज 4 point something एंड 0। ये क्या आएगा बेटा, लाइन को एक्सटेंड करेंगे अपन तो ये 4 point something आएगा और 0 आएगा। ऑन वाई एक्सिस 1 point हो गया 0 4, दूसरा पॉइंट हो गया 0 6.5। ओके देयर आर 3 parts, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स इज 3 वाई इज 2, सेकंड ऑन एक्स एक्सिस दिस इज इंटरसेक्टेड 6 0, सेकंड पॉइंट दिस इज 4 point something एंड 0, ऑन वाई एक्सिस 0 4 एंड 0 एंड 6.5, देयर आर 3 points फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न इज यूजिंग ग्राफ्स फाइंड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट दिस इज कंसिस्टेंट, दिस सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके इफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट दिस इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, x माइनस 5y इक्वल्स 20, 6x माइनस 10y प्लस 40 इक्वल्स 0। सेम प्रोसेसर, लेक अ टेबल, इन दिस केस एक्स इज 0, वाई इज -4, x5 is 15, 15 and divided by तो क्या हो गया -15, this is 5, this is minus, then x is -5, x is -5, -15 हो गया, राइट पे गया 35 हो गया, प्लस 35 दिस इज साइव, -5 दिस इज -7,
से एक्स इज जीरो, इसको इक्वेशन में प्रॉपर फॉर्म डालते हैं अपन, सिक्स एक्स इक्वल्स टू 10y प्लस 40, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट y इज जीरो, ये x इज जीरो बेटर रहेगा। x इज जीरो, जब x जीरो लिया तो y हो गया माइनस फोर, तो x ले ली फाइव, फाइव से थर्टी, थर्टी राइट पे गया तो क्या आएगा बेटा, सॉरी प्लस 40 का माइनस 4 होगा, एक्स इज जीरो दिस इज प्लस 4, प्लस 4 आ जाओ, लेट एक्स इज जीरो हो गया, एक्स इज 5, 5 से एक्स 30, राइट में गया माइनस 10 वाई इज माइनस 17, वाई इज 7, देन x is minus 5, minus 5 put kiya, minus 5, 6 is 30, minus 30, minus 30, right wing plus 30 ho gaya, minus 10 y is minus 10, this is y is gone. Chik hai? Then, it's graph. Iska graph draw karenge. Then, question number 3, solve graphically the pair of linear equations, again same pattern, solve graphically the pair of linear equations x plus y equals to 5 and x minus y equals to 5. If the next part is, also find the vertices of the triangle formed by these lines and y axis. First, x, y, x, y. Let y is 0. X is 5. Y is 1. X is 6. Y is minus 1. Ye plus lete. Y is 2. This is 7. Sorry. Ye to iska equation ban gaya. X minus y equals 5. X plus y equals 2. Ab ye equation. X is 1. Y is 4, x is 2, y is 3, x is 3, y is 2. Okay, check on it. 5 minus 0, 5. 6 minus 1, 5. 7 minus 2, 5. 1 plus 4, 5. 2 plus 3, 5. And 3 plus 2, 5. Now, graph ko thoda sahi kar lete hain. X is 5, y is 0, that point, 6, 1, and the next point is 7, 2, x is 7, y is 2, isko action kar dein. कोऑर्डिनेट लिख देंगे इसमें, x is 1, y is 4, x is 2, y is 3, x is 3, y is 2, add the coordinate, 1, 4,
2, 3, 3, 2. These coordinates, 7, 2, 6, 1, or this is 5, 6. Join them. And produce. इनको ज्वाइन कर रहे हैं देखिए these two lines intersect at this point so x is 5 and y is 0. दोनों लाइन एक दूसरे इस पॉइंट पर काटते हैं एंड कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट इज 5 0. वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड वैल्यू ऑफ y इज 0. एक पार्ट हो गया इसका. नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो फाइंड द वर्टिस ऑफ दीज ट्राइंगल्स द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस. ये दोनों लाइन और y एक्सिस ध्यान दीजिए y एक्सिस. इस केस में एक लाइन तो होगी ये वाई एक्सिस होगी, दूसरी लाइन ये होगी. ओके इस लाइन को अपने एक्सटेंड करना पड़ेगा नीचे की तरफ ऐसे. अब इसको अपन एक्सटेंड करते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड दिस इज माइनस 5. नाउ एक लाइन ये रहा दूसरा लाइन ये रहा और ये है y एक्सिस. अपना आप ट्रायंगल बन गया ये वाला. विल फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स कोऑर्डिनेट of triangle. First point is this. This is 5, 0. Second number is this. Sorry, this is 0, 5. This is 5, 0. Or this is 0. Minus 5. 0, minus 5. These are the coordinate of triangle. कई बार आपसे area of triangle निकलवा लेते हैं. Area of triangle निकालना हो तो देखिए area of triangle is half into base into height. ये formula है. ये देखिए this is base. और दिस इज हाइट. बेस हो गया 5 यूनिट्स ऊपर 5 यूनिट्स नीचे तो टोटल लेंथ बेस की लंबाई हो गई 10. ये पार्ट नेगेटिव है लेकिन टोटल लेंथ इज 10. नेगेटिव का ऐसा नहीं प्लस और माइनस में ऐड करके जीरो कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा. यहां से यहां तक लेंथ होगी 5 ऊपर 5 नीचे टोटल 10. बेस हो गया 10 हाइट. यहां से लेके यहां तक हाइट है 5. 10 times 50 upon 2, this is 25. Area always in square units, so you have to write 25 square units. ये लिखना तभी मुझे मिलेगा. Area always in square units, square units. आपको नहीं मालूम मीटर में सेंटीमीटर में तो square unit. Then अभी अपन दो इक्वेशन ली, हमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूं तीन इक्वेशन का. इक्वेशन आर एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. माय क्वेश्चन इज
draw the graph of the following linear equations, x plus 3y equals to 0, 5, and 2x minus 3y equals to 12. Find the ratio of areas of two triangles formed by first line, make this line, and x equals 0 and y equals 0, and second line. So, you will find the ratio of areas. This side is the side or this side. X equals 0 means graph on x equals 0 kab hota hai? On y axis. Y equals 0 kab hota hai? X axis ke upar. Ye to ho gaya. Aur ye side. Okay. Main clear karta hu iska step ko. लेते हैं x प्लस 3 बाई इक्वल्स 5, इसे इक्वेशन बनाते हैं, टेबल बनाते हैं इसका x, y 0, x is 5, y is 1, this is 2, y is 2, this is minus 1. Okay. X plus 0, x is 0, yeah, so equation is acceptable. X plus 0, y equals 0, y is 0, x is 0, y is 1, x is 0, y is 3, x is 0. Made this on pi axis. Yeah, directly on y axis to depends. This y axis represents equation x equals 0, and x axis represents y equals 0. On y axis, you know, value of x is 0, on x axis, y axis, x is 0, x axis, y is 0. Pehla equation ban gaya apna, here. X is 5, y is 0, x is 2, y is 1, x is 2, x is minus 1, y is 2. Join them. Coordinate is there. Then equation is other. Equation is x dx plus 2y is 12. 3x plus 2y is 12. Let x is 0. Y is 6. Y is 0. X is 4. X is 2, 6, right bhi gaya, 6 ho gaya, y is 3. Then x is 0, y is 6. X is 0 on y axis, y is 6. X is 4, y is 0. 0, 6, or this is 4. Next point is 2, 3. एक चीज और, जब भी पॉइंट मार्क करेंगे, पॉइंट को पेंसिल से मार्क करेंगे, शार्प पॉइंट एकदम, उसकी विजिबिलिटी पे ज्यादा नहीं होती, इसलिए उसके चारों तरफ छोटा सा एक पेंसिल सर्कल लगा जाए, तो उससे हाईलाइट हो जाएगा भाई आपका पॉइंट यहाँ पे है,
पॉइंट मोटा नहीं बनाना, पॉइंट शार्प बनेगा। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा और थर्ड पॉइंट जॉइन देम। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल, इट्स बेस इज 5, हाइट इज 1 पॉइंट समथिंग, हाफ बेस इज 5, हाइट कितना होगा इसका, हाइट इज अप्रोक्सिमेटली 5/3। जब भी ग्राफ से पॉइंट देखें दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन वाई एक्सिस यू नो एक्सिस 0 0 प्लस 3y = 5, y = 5/3, कभी दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगा। जब भी ग्राफ से पॉइंट देखने दिक्कत आए, आप वैल्यू पकड़ देख लो और फाइंड इट, दिस इज 5/3 एक्सेक्ट आएगा, कभी कोई गलत दिक्कत नहीं आई। देन नेक्स्ट एंगल इज दिस, हाइट हाइट इज 6, बेस इज 5, हाफ ऑफ कैंसिल, 5/5 कैंसिल, न्यूमरेटर इज 5/3, डिनोमिनेटर इज 6। जब न्यूमरेटर हो फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर हो सिंगल, कैलकुलेशन में गलती होती है, अपॉन वन कर लें, कभी दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगा। जब भी न्यूमरेटर रेशनल नंबर हो, डॉक्टर रेशनल नंबर ना हो, उस फॉर्म में हो, अपॉन वाले फॉर्म में ना हो, अपॉन वन कर लें, दिक्कत नहीं होगा। दिस इज 5/3 इंटू 1/6, जनरली क्या लिखते थे इसके ऊपर, इंटू 6 ऊपर ले जाते हैं, गलती हो जाती है। दिस इज 5/6 रीजन, रेशियो इज 5:8। इस तरह से आप ग्राफ वाले क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें ग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तीन पॉइंट इसलिए लेते हैं, तीनों पॉइंट एक लाइन में, इट मींस आपने वैल्यू सही निकाली है। ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट में गलती है, निकाल देना, कहीं ना कोई पॉइंट वैल्यू करने में गलती की आपने, चेक हो जाएगा, दोनों का हो जाएंगे, ग्राफ बन भी जाएगा और चेक भी। सेकेंड पॉइंट, जब भी मार्क करें हमेशा लाइन को ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को और दोनों साइड में एक्सटेंड करेंगे और साइड में दोनों का इक्वेशन जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे प्रॉपर तरीके से, लाइन सीधी बनेगी, शार्प बनेगी और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उनके प्रॉपर आंसर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन सेकेंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे जो भी नए नए वीडियोज़ बनते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।